एक तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड वन, वेरी लकी टू लाइक यू नो टू हैव ऑफर्ड दिस रोल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन ये ऑडिशन के बाद मुझे रोल करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इतना आइकॉनिक कैरेक्टर जो है साई बाबा का, वो किरदार निभाने का जो मुझे चांस मिल रहा है, तो मैं सच में बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को. मुझे मतलब प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया तो मैं जानता भी नहीं था, मैंने अपने आप सोचा नहीं था कि मैंने अपने आप को कभी इस किरदार में विजुअलाइज नहीं किया था. तो ये भी मतलब शायद उनकी मर्ज़ी थी साईं की, इसलिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया. और जो जिस डेट से जिस दिन से हम मेरी शूट की शुरुआत हो रही है, वो भी इतना ऑस्पिशियस डे है, तो आई थिंक आई एम लाइक यू नो रियली रियली ब्लेस्ड वन. हाँ मतलब देखिए क्या है कि बचपन से जो है मेरे घर में मतलब स्पेशली मेरी माँ की साइड के जितने भी मेरे हमारे रिलेटिव्स हैं उनमें साईं भक्त हैं काफ़ी लोग. साईं की मतलब श्री साई सच्चरित्र हो उसके मतलब सप्ताह मेरे मामा वगैरह करते हैं, या मेरे जो नाना मतलब मेरे माँ के जो चाचा थे उन्होंने साई चरित्र का अनुवाद भी किया है मराठी में दोहों के रूप में. तो ऐसे मतलब ये ट्रेडिशन चली आ रही है. तो नेचुरली कि जैसा मैंने कहा कि मैंने खुद कभी सोचा नहीं था कि इस रोल के लिए मुझे कोई मतलब सोचेगा, और ऐसा कभी किरदार मैंने निभाया नहीं है. तो ये एक मुझे लगा कि दोनों चीज़ें मतलब एज एन एक्टर मैं ऐसा मानता हूँ कि अलग अलग रोल के ज़रिए अलग अलग वैरायटी के ज़रिए ऑडियंस के सामने आना ये एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अलग आपकी एक मतलब पहचान बन सकती है. अलग रूप में आप ऑडियंस के सामने आते हैं तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी रहता है, आपको अलग कुछ करने का मौका मिलता है. तो एज एन एक्टर वो था, और स्पेशली ऐसा कैरेक्टर जो इतना मतलब लोगों की इतनी श्रद्धा है आस्था है, हमारे घर में भी वो है, तो मैं भी साईं को मानता हूँ. तो ये ऐसा कैरेक्टर मिलना और साथ साथ एज एन मतलब वो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर और एज अ पर्सन दोनों चीज़ें कहीं पे मतलब एक साथ जुड़ गई, तो इसके लिए ये कैरेक्टर करना मेरे ख्याल से मेरे लिए मतलब एक और थोड़ी ज़्यादा नॉर्मल कैरेक्टर करने से ज़्यादा खुशी है, और इसलिए मैंने इस कैरेक्टर को मतलब करने के लिए हाँ कर दी. अब ये जो शो है वो 2 साल से चल रहा है, 500 से ज़्यादा एपिसोड्स हो गए हैं, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, नंबर वन शो है. तो नेचुरली हर एक का मतलब जो डायरेक्टर का इसके प्रति क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसका क्या रवैया है, उसका क्या सुर है, वो काफ़ी सचिन जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत, काफ़ी लंबे चौड़े वर्कशॉप मैंने किए हैं. और फिर जो आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं, हम ये 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, साईं के जीवन में तो कैरेक्टर्स पहले से हैं, तो उनके साथ थोड़ा घुल मिलना, वो उस तरह का वर्कशॉप किया हुआ है. और ये जो इस शो के जो रिसर्चर हैं पवार काका करके, उनसे भी एक ओरिएंटेशन काफ़ी लंबा चौड़ा साईं के बारे में जितनी जानकारी मुझे मिल सके वो लेने की कोशिश की है. तो अभी और ऐसा मैं मानता हूँ कि एक्टर के लिए प्रिपरेशन कभी ख़त्म नहीं होता, तो इतना क्या इसका मतलब ये हो गया ऐसे नहीं. आई थिंक डे टू डे जैसे भी मतलब वो नए नए एपिसोड्स हमारे आएंगे, नई नई कहानियाँ आएंगी, तो उसके ज़रिए और भी वो ये सिलसिला चलता रहेगा. लेकिन हाँ शुरुआत में तो काफ़ी किया, सिंसियर एफर्ट्स तो कर रहे हैं. तो उन्होंने अबीर ने अपने स्टाइल से साई बाबा का किरदार निभाया, वो लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन मैं अपने स्टाइल से साई बाबा का किरदार निभाऊंगा. तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि जो भी प्रिपरेशन मेरी चल रही है वो तो है ही, और मेरी कोशिश मतलब यही रहेगी कि साईं के प्रति जो लोगों के मन में श्रद्धा है, जो इतना कनेक्ट है, इतना स्ट्रांग कनेक्ट लोग हैं, और मतलब सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मैं कहूँगा कि इतना लोग मानते हैं उन्हें, तो वो जो जगह हैं साईं की उनके दिल में, उनके प्रति जो साईं के प्रति जो उनका उनकी आस्था है, विश्वास है, उसको कहीं ठेस ना पहुंचे, ये मेरी कोशिश रहेगी. इतना प्यार मतलब एज एन एक्टर तो मैं यही चाहूँगा कि इतना प्यार आपने शो को दिया, इतनी भारी संख्या में आप देख रहे हैं, नंबर वन शो आपने बना दिया है, तो आप ऐसे ही उसे देखते रहिए, ऐसा ही प्यार. ये जो 10 साल का लीप है, ना सिर्फ मैं बल्कि काफ़ी किरदार
हमारे बदले हैं, थोड़ा सा आपको एक विजुअल भी थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा, सेट के बारे में कह रहा हूँ या एक टोटल ओवरऑल लुक के लुक को लेकर भी थोड़े से चेंजेस हमने किए हैं। तो आई होप कि वो आपको पसंद आएंगे, ऐसा ही प्यार देते रहिए। और मैं एज अ पर्सन इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैं भी मतलब कोशिश यही करता हूँ कि सिर्फ मुझे लगता है हम सभी को साईं भक्त तो हम हैं, साईं की मतलब साईं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो सीख हमें दी है वो अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में भी इसका उसका मतलब उसको ढाल सके या पर्सनल लाइफ में भी उसको हम एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर यूज़ कर सके तो मेरे ख्याल से वो साईं बाबा के प्रति हमारी सच्ची भक्ति का उदाहरण होगा।